हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक के स्टेटमेंट चढ़ाना, कि कैसे बैंक के स्टेटमेंट की एंट्री पास की जाती है और जो ट्रांजैक्शन हमने किया है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली में, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, उसी को हम सिस्टमेटिक तरीके से चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिंपल आसानी तरीके से हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट जिसका है उसके नाम से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपनी बनाएंगे। चलिए, अब ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी काम करने जाएंगे बैंक स्टेटमेंट तो नया कंपनी बनाएंगे, मतलब शुरू से ही काम रहा उसी में चढ़ाएं जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है बाबू, हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं जिससे रिपोर्ट आसानी तरीके से देख सकते। तो बैंक स्टेटमेंट का अलग कंपनी बनाना पड़ेगा, उसी कंपनी में बस बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, SBI का लेजर बनाना पड़ेगा। कंपनियां देखिएगा है ना, बैंक वाला कंपनी अलग नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए, हम नए सिरे से बता रहे इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो और आपको बैलेंस मैच करके समझा सके। क्रिएट कंपनी किसके नाम से, लक्ष्मी, मतलब जो है उसी के साथ बना रहा बिल्डर्स। एड्रेस है रामकोला कसिया रोड, रामकोला कुशीनगर, रामकोला इतना ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं स्टेट, यूपी है, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद से 27 43 0, यहाँ पे कुछ देना नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सेल हो गया बाबू। चलिए अब आ जाते हैं क्या, कंट्रोल ए करके सेव। अब हम लोग क्या करेंगे, SBI के नाम से क्या करेंगे हम लोग जी, आ जाएंगे क्रिएट में और आ जाएंगे लेजर में। अब देखो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे SBI, क्या लिखेंगे, SBI ओडी अकाउंट है, सबसे अच्छा लिख दिया SBI ओडी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रुप तो बैंक ओडी क्या रहेगा, बैंक ओडी। देखिए क्या अपने अपने आप आ गया क्या, लक्ष्मी बिल्डर्स अकाउंट होल्डर ने आया ना, कैसे आया है क्योंकि कंपनी इसी नाम से है तो अंडर ग्रुप। हाँ, अब यहाँ पे देखो कह रहा सेट ओडी लिमिट कितना दिया है, इसका ओडी लिमिट 10 लाख हो गया बाबू। IFC कोड दिया है SBI N00129 11, ठीक है। स्विच कोड नहीं पता है, अरे यार IFC कोड अकाउंट नंबर मांग रहा है ना यहाँ पे, IFC कोड हमको दिखा, अकाउंट नंबर क्या है 31 66 51 42 406, IFC कोड यहाँ डालेंगे, SBI N00129 11, क्लियर है सर, 12 है, तुम रहने दो, देख के बोल पा रहे चलिए ब्रांच रामकोला, ए ना बाबू। चलिए इंटर, SBI ओडी का जो भी है यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा था, मैंने बताया है ना, ठीक है। देखो
वो मैं वहां पे जो मेंशन किया हूँ लक्ष्मी बिल्डर में वो जर्नी का उनका एड्रेस है, ठीक है। मतलब जो भी एड्रेस वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। मतलब बैंक का डिटेल पूरा ये दिया है, तो एड्रेस यहाँ पे ब्रांच बना दिया रामकोला, और यहाँ पे फिर से डाल देंगे क्या, रामकोला कसिया, रामकोला जी जी, वो ब्रांच बता रहा है, पूरा डिटेल दे रहा है, वो कोई मेंशन नहीं था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे उसी नगर। हाँ, इसका जीएसटी नंबर भी होता है, नहीं दिया है बता रहे कहाँ से लाओ, पूरे उत्तर प्रदेश के एक ही जीएसटी नंबर ही है, जी स्टेट बैंक एसबीआई जीएसटी नंबर इन यूपी यही है, समझे। हाँ, इसको कॉपी कर लेंगे और लाके पेस्ट कर देंगे, क्या है, लिख लो लिख लो।